दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए 21 अप्रैल की 5 बड़ी भर्तियों की अपडेट लेके आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, इन सभी भर्तियों के ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं और सभी भर्तियों के लिए आवेदन प्रक्रिया भी स्टार्ट हो चुकी है। इन फॉर्म को भरना बिल्कुल मत भूलिएगा। 5 भागों में बम्पर भर्तियों की अपडेट आ चुकी है। ऑल ओवर इंडिया से, भारत के सभी राज्यों से आप आवेदन कर सकते हो। महिला पुरुष दोनों कैंडिडेट इन फॉर्म को भर सकते हैं। 10वीं और 12वीं पास के लिए भी मौके हैं। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे कि किन किन 5 विभागों के अंतर्गत ये भर्तियाँ निकली है, किस पोस्ट के लिए कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, क्या पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप इन भर्तियों की ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं 21 अप्रैल की 5 बड़ी भर्तियों की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, जो यहाँ पर इसमें फर्स्ट नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है पंजाब नेशनल बैंक में। PNB के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। स्पेशलिस्ट ऑफिसर SO की भर्ती है। 145 वैकेंसीज निकली है। बात अगर इम्पोर्टेंट डेट्स की जाए तो इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया कल से स्टार्ट होगी। जी हाँ दोस्तों, स्टार्टिंग डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 22 अप्रैल 2022 है। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 7 मई 2022 है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन की डेट 12 जून 2022 है। बात अगर यहाँ पर इसमें सैलरी डिटेल की जाए तो मैनेजर की पोस्ट के लिए 48,170 से 69,810 सैलरी है। सीनियर मैनेजर के लिए 63,840 से 78,230 है प्रति माह के लिए। बात अगर इसमें क्वालिफिकेशन डिटेल की जाए तो CA CFA ग्रेजुएशन डिग्री और MBA से आप अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट मैनेजर के लिए 25 से 35 वर्ष है। सीनियर मैनेजर के लिए 25 से 37 वर्ष है। बात अगर यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस डिटेल की जाए तो SC ST PWBD कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए ₹50 फीस है। ऑल अदर कैंडिडेट्स के लिए ₹850 फीस है, जो कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, IMPS, कैश कार्ड या मोबाइल वॉलेट से पेमेंट कर सकते हो। सिलेक्शन होगा ऑनलाइन एग्जाम और इंटरव्यू के आधार पर। ऑनलाइन तरीके से ही आप आवेदन कर सकते हो। ऑल ओवर इंडिया से, भारत के किसी भी राज्य से आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। PNBIndia.in की ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो सेकंड नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है नेशनल हेल्थ मिशन में, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। पोस्ट है स्टाफ नर्स और सेक्रेटरियल असिस्टेंट की। यहाँ पर टोटल 829 वैकेंसीज निकली है। बात अगर यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट्स की जाए तो ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया इस भर्ती के लिए 12 अप्रैल 2022 से चल रही है। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 26 अप्रैल 2022 है। बात अगर सैलरी की जाए तो स्टाफ नर्स के लिए 16,000 है प्रति माह के लिए। सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए 13,650 है प्रति माह के लिए। बात अगर क्वालिफिकेशन की जाए तो स्टाफ नर्स के लिए JNM और BSc नर्सिंग और पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग से आप अप्लाई कर सकते हो। सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएट और डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन और BE कंप्यूटर साइंस और BSc कंप्यूटर साइंस और BCA से आप अप्लाई कर सकते हो। बात अगर यहाँ पर इसमें एज लिमिट की जाए तो एज लिमिट 18 से 64 वर्ष है। बात अगर फीस की जाए तो यहाँ पर UR कैंडिडेट्स के लिए ₹300 एप्लीकेशन फ़ीस है। OBC के लिए 200 है। SST वोमेन PWD के लिए ₹100 फीस है, जो कि आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। सिलेक्शन बिना एग्जाम के होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के आधार पर इस भर्ती के लिए भी आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। छत्तीसगढ़ जॉब लोकेशन है, ऑल ओवर इंडिया से आवेदन कर सकते हो। CGHealth.NIC.in की ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो यहाँ पर थर्ड नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है महसना अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में, MUC बैंक के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। पोस्ट है इसमें क्लेरिकल ट्रेनी की। 50 नंबर ऑफ वैकेंसीज निकली है। इंपॉर्टेंट डेट की बात की जाए तो आवेदन इस भर्ती के लिए 15 अप्रैल 2022 से चल रहे हैं। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 30 अप्रैल 2022 है। बात अगर यहाँ पर इसमें सैलरी डिटेल की जाए तो सैलरी ₹14,000 प्रति माह के लिए प्रोवाइड की जाएगी। क्वालिफिकेशन इसमें MCOM, MSc साइंस, MCA, MBA से आप अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट 21 से 35 वर्ष है। फीस आपको जमा नहीं करनी होगी। सिलेक्शन होगा रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पे। इस भर्ती के लिए भी आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। गुजरात जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया से ऑनलाइन कर सकते हो।
MUCBank.com ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो यहाँ पर फोर्थ नंबर पर जॉब निकली हुई है वो है संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में। यहाँ पर पोस्ट है सिस्टर ग्रेड सेकंड स्टाफ नर्स जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट MLT टेक्नीशियन रेडियोग्राफी और टेक्नीशियन रेडियोलॉजी की 454 वैकेंसी यहाँ पर निकली है। इस भर्ती की लास्ट डेट एक्सटेंडेड कर दी गई है जो 19 अप्रैल थी उसको बढ़ाकर अब 3 मई 2022 कर दिया गया है। सैलरी सिस्टर ग्रेड सेकंड स्टाफ नर्स के लिए 44,900 से 142,400 है लेवल 7 के अंतर्गत। जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट के लिए 29,200 से 92,300 है लेवल 5 के अंतर्गत। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट MLT टेक्नीशियन के लिए 35,400 से 112,400 है लेवल 6 के अंतर्गत। 12th GNM डिप्लोमा BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग MLT डिप्लोमा रेडियोलॉजी या रेडियोग्राफी डिप्लोमा से आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट की बात की जाए तो 21 से 40 वर्ष आयु सीमा है। फीस जनरल OBC WS के लिए 500 है SC ST के लिए 300 है जो कि आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। रिटर्न टेस्ट के आधार पर इसमें आपका सिलेक्शन किया जाएगा। ऑनलाइन तरीके से ही आप आवेदन कर सकते हो। UP उत्तर प्रदेश जॉब लोकेशन है ऑल ओवर इंडिया से ऑनलाइन कर सकते हो। SGPGI.ac.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो 5 और लास्ट नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है हाई कोर्ट में। उच्च न्यायालय के अंतर्गत पर्सनल असिस्टेंट PA की भर्ती है। वैकेंसी आप नोटिस से कैटेगरी वाइज चेक कर सकते हो। बात अगर इंपोर्टेंट डेट्स की जाए तो आवेदन इस भर्ती के लिए भी 15 अप्रैल 2022 से स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 5 मई 2022 है। सैलरी 30,000 रुपये है प्रति माह के लिए। बात अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जाए तो ग्रेजुएट से आप अप्लाई कर सकते हो। 18 से 37 वर्ष आयु सीमा है। फीस जमा नहीं करनी होगी ना ही कोई एग्जाम देना होगा। इंग्लिश 100 कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट और इंटरव्यू से चयन किया जाएगा। ऑनलाइन तरीके से आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हो। जॉब लोकेशन पटना बिहार है। ऑल इंडिया से आवेदन कर सकते हो। patnahighcourt.gov.in इसकी ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी आज के यानी कि 21 अप्रैल 2022 की टॉप 5 भर्तियों की पूरी जानकारी। अगर आपको अभिन्न भर्तियों के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहीं से किसी भी भर्ती की नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो और अप्लाई भी यहीं से कर सकते हो। लिंक यहीं पर सभी भर्तियों के प्रोवाइड करा दिए गए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपके मन में अभिन्न भर्तियों से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। और अंत में दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी ही बिग अपडेट अपलोड करते हैं।